हेलो एवरीवन आई एम जितेंद्र कुमार शर्मा योर मैस टीचर टुडे वी कंटिन्यू विथ अवर चैप्टर नंबर ट्वेल्व ऑफ क्लास फोर इज फ्रैक्शन वी ऑलरेडी कंप्लीटेड अवर फर्स्ट पार्ट इन प्रीवियस क्लास वी विल लर्न व्हाट इज द फ्रैक्शन फ्रैक्शन होती क्या है पार्ट ऑफ फ्रैक्शन हमने देख लिए थे चाहे हम डिनोमिनेटर की बात करें या हम इनोमेरेटर की बात करें ये सब चीजें हमने हमारे पार्ट वन में देख ली थी साथ ही साथ हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट ए फ्रैक्शन मोड जहां हम ये देख रहे थे एक होल नंबर होगा और एक फ्रैक्शन मोड होगा जब ये कंबाइंड होते हैं तो हम उसे कहते हैं वो हमारी मिक्स फ्रैक्शन है तो इतना सब कुछ हमने हमारे पार्ट वन में लर्न कर लिया था तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट टू एंड इन दिस पार्ट वी विल टॉक अबाउट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन शॉर्ट वी कैन से वी विल अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आल्सो इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे

यहाँ पर हमारे पास फोर पार्टीशन है अनदर में भी फोर है उससे बाद में फोर है लास्ट में भी हमारे पास में फोर पार्टीशन किए गए इन द फर्स्ट हमें देख पा रहे हैं टोटल अमाउंट फोर है उसमें से वन को शेडेड कर दिया है ओके सो फ्रैक्शंस क्रिएटेड न अपॉन फोर इन द अनदर वी कैन सी फोर में से टू को शेडेड किया है वन एंड टू सो फ्रैक्शन टू अपॉन फोर इन अनादर वी हैव वन टू थ्री शेडेड सो थ्री अपॉन फोर एंड एट लास्ट यू कैन से ऑल आर शेडेड सो आवर फ्रैक्शन इज फोर अपॉन फोर सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन हमें फाइंड करनी है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमें फाइंड करनी है तो सीधा सा याद रखिए देखिए डिनोमिनेटर सबका कैसा है अभी सेम है ना सेम है सो so, जिसका नॉमिनेटर की बात करें, नॉमिनेटर की बात करेंगे जो जितना बिगर होगा वो फ्रैक्शन उतनी ही लार्जर हो जाएगी सो so, यहां हम बात करें यहां वन है यहां टू यहां थ्री यहां फोर सो so, ये देखिए सबसे बड़ा टर हमारे पास आ गया सो वोट इज फ्रैक्शन अब हम बात कर लेते हैं स्मॉल कीजिए so जिसका सबसे छोटा होगा वो हमारी सबसे स्मॉलेट फ्रैक्शन होगी सो इज वन अपॉन फोर सो इनपल और इन दिस फिगर डाइग्राम वी फाइंड इज अवर फोर अपॉन फोर एंड इज वन अपॉन फोर क्लियर चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं देखिए इन दिस अनदर शेड फॉलोइंग सो देखिये थ्री अपॉन एट टोटल कितना है एट है और शेडेड कितना है थ्री है अनदर की बात कीजिए टू अपॉन एट सो यहां टू है फर्स्ट वाले से भी लेस है फोर अपॉन एट यहां इन दोनों से ज्यादा आ गया फोर अपॉन एट यहां भी आ गया फोर अपॉन एट सेम आ गया एंड फाइव अपॉन एट सो वी कैन से जहां सबसे लार्जर शेडेड एरिया है वो हमारी फ्रैक्शन है नंबर फाइव इट मीन वी हैव फाइव अपॉन एट एज आंसर क्लियर हुआ लार्जेस्ट कैसे फाइंड किया सबसे ज्यादा काउंट कर लिया पार्टीशन का काउंट कर लिए टोटल में से सबसे ज्यादा उसकी शेडेड है तो उसका हमारा यहाँ पे आंसर में मेंशन कर दिया चलिए इसके बाद में देखिए फिर से डायग्राम्स में क्या बताना है फ्रैक्शन ऑफ द डायग्राम विच हैज़ मिनिमम शेडेड एरिया सो मिनिमम इन शॉर्ट देखिए यहाँ कितना है वन टू थ्री वन टू वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर अगेन वन टू थ्री फोर फाइव सो स्मॉलर कौन है सबसे मिनिमम एरिया किसके पास में है शेडेड का वो हमारे पास में सेकेंड फ्रैक्शन में है एंड दैट इज आवर टू अपॉन ईट इज आंसर क्लियर हो गया काउंट किया ना पता कर करेंगे तो बड़ा ईजी है इसको हम कह सकते हैं थ्रू द ऑब्जर्वेशन वी कैन फाइंड द आंसर नाउ टाइम टू चेक अनदर फ्रैक्शन ऑफ द डायग्राम्स विच हैव इक्वल शेडेड एरिया सो एयर इज थ्री

तो so, फ्रैक्शन कितना हो रहा है फोर अपोन एट अनदर कितना हो रहा है फोर अपोन एट सो बोथ आर सेम सो वी फाइंड द आंसर चलिए इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं अनदर वन फ्रैक्शन ऑफ द डायग्राम विच हैज द मैक्सिमम शेडिड एरिया सो मैक्सिमम शेडिड एरिया यू कैन फाइंड दैट दैट इज फाइव अपोन एट सो आवर आंसर विल बी फाइव दैट फ्रैक्शन इज फाइव अपोन एट दैट इज आवर आंसर नो no इश्यू ना यहां कुछ भी नहीं कर रहे तो हम क्या समझ पा रहे हैं डियर स्टूडेंट हम ये समझ पा रहे हैं कि जिसका जितना ज्यादा कवर अप एरिया है जितना शेडेड एरिया है वो फ्रैक्शन लार्जर होगी जिसका मिनिमम है वो हमारी स्मॉलेस्ट होगी सो यहां हमने देख लिया डिस्कस कर लिया तो चलिए और कुछ फाइंड कर लेते हैं सो देखिए इन दिस डायग्राम द फ्रैक्शन विच मिनिमम शेडेड एरिया इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन विच मिनिमम मैक्सिमम शेडेड एरिया इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन सो आवर फाइव अपोनेट इज द लार्जर फ्रैक्शन एंड टू अपॉन एट इज आवर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन दिस डायग्राम सो यहां हमने फाइंड कर लिया भाई सीधा सीधा है आप ये देखो डिनोमिनेटर सेम है ना तो हमें क्या करना है बस नॉमिनेटर पर हमें हमें फोकस करना है जिसका नॉमिनेटर जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी होगी सो so, हम ये भी कर सकते हैं ना इनको सीक्वेंसली अरेंज कर सकते हैं ना सिक्वेंसली कैसे कर सकते थे हम फाइव अपॉन एट उससे स्मॉलर कौन है भाई फिर हमने देखा फोर अपॉन एट फोर अपॉन एट टू टाइम आ रहा है फिर पीछे देख सकते हो ना फ्रैक्शन में ये देखो फोर अपॉन एट

One, two, three, four, five six here yes, इज six कलर्ड two सो आवर फ्रैक्शन इज two upon six which इज द लार्जर फोर अपॉइंट सिक्स विच इज द स्मॉलेस्ट टू अपॉइंट सिक्स सो यहाँ हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं बाई टोटल अमाउंट ऑफ द पार्टीशन कोल डिनोमिनेटर ओके टोटल कितना था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स था शेडेड और कवर्ड कितना है वो हमारा नोमिनेटर बनता है सो so यहाँ हमने देखा फोर है Clear हो गया, so चलिए, इसके बाद में हम हम बात कर लेते हैं हैं सबसे पहली चीज़ चेक करो, denominator सेम है क्या? देखो यानी देख रहे जो तीनों फ्रैक्शन हमें दी गई है उसमें हमारा डिनोमिनेटर कितना है सेम है भाई seven, seven है, है ना? अब कलर्ड की बात कर लेते हैं इन द फर्स्ट डायग्राम वी हैव ओनली वन सो अवर फ्रैक्शन इज वन अपॉइन सेवन Okay. In another example we have one and two. So our fraction is two upon seven. At the last example we have one, two, three, four. So our fraction is four upon seven. Which फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट दैट फ्रैक्शन इज विल बी दैट हैव द शेडेड एरिया मैक्सिमम सो हेयर इज द थर्ड वन इज अवर लार्जेस्ट फ्रैक्शन दैट हैव अमाउंट फोर अपॉन सेवन क्लियर हो गया चलिए तो यहां हम क्या समझ पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि जितना कवर अप एरिया होगा जितना शेडेड एरिया होगा किसी फ्रैक्शन का वो उतना ही लार्जर माना जाएगा और जिसका जितना लोअर होगा वो हमारी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी सो हेयर इज द लोएस्ट फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज वन अपॉन सेवन नहीं होगा. अगर, same है तो हमारा तो चलिए इसके बाद में हम एक और सॉल्व कर लेते हैं विच फ्रैक्शन इज द स्मॉलेट फ्रैक्शन इन दिस रो और हमारी मैक्सिमम क्या था मैक्सिम था

गिवन फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस का कैसा ऑर्डर ये असेंड कर रहा है देखो यहाँ कवर अप कितना है वन यहाँ कितना हुआ टू यहाँ कितना हुआ फोर सो so, ये रोज कैसे कर रही है ये मूव कर रही है अपर साइड सो इज दिस असेंडिंग ऑर्डर और अगर इसका अपोजिट करेंगे तो वो कौन सा ऑर्डर होगा हमारा वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा फॉर एग्जाम्पल देखिए द अरेंज फॉलोइंग वी अरेंज फ्रैक्शंस थ्री अपॉइंट टू वन अपॉइन्ट टू सेवन अपॉइन्ट टू एंड फाइव अपॉइंट टू इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलो देखो अगर हम यहां बात करें तो सबके डिनोमिनेटर कैसे हैं भाई सेम है सबसे सब पहला काम यही करना है डिनोमिनेटर चेक किया सब सेम है सो दे लो अब जिसका नोमिनेटर जितना बड़ा है नोमिनेटर जितना बड़ा है हम उसे क्या कह देंगे वही हमारा स्मॉल बिगेस्ट फिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा और जिसका स्मॉल होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा सो हमें कौन सा ऑर्डर अरेंज करना है असेंड करना है तो सबसे स्मॉल कौन है वन अपॉइंट टू देन थ्री अपॉइंट टू देन फाइव अपॉइंट टू एंड एट लास्ट वी शुड राइट सेवन अपॉइंट टू एज द बिगेस्ट फ्रैक्शन इन दिस डायग्राम और इमेज ऑल्सो क्लियर हो गया चलिए आगे की बात कर लेते एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं वी अरेंज फ्रैक्शन लाइक टू अपॉइंट सेवन सिक्स अपॉइंट सेवन थ्री अपॉइंट सेवन फाइव अपॉइंट सेवन एंड फोर अपॉइंट सेवन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज फॉलो सो देखिए इसको कैसे अरेंज करेंगे डिसेंड करना सो बिगर so सबसे पहले आएगा एंड देन उसके बाद में हम क्या करेंगे मूव लेंगे स्मॉल की ओर सो चलिए बिगर अमाउंट देख लेते हैं नॉमिनेटर कौन सा बड़ा है भाई सिक्स है ना सो फ्रैक्शन सिक्स अपॉइन्ट सेवन इज अ फिक फर्स्ट फ्रैक्शन देन फाइव अपॉइन्ट सेवन दैन फोर अपॉन सेवन दैन थ्री अपॉइन्ट सेवन एंड लास्ट होगी टू अपॉइंट सेवन चेक द सिक्वेंस इज दैट राइट यस दैट इज़ राइट बिकॉज वी नो ऑल अबाउट दैट तो यहाँ पर हम ये समझ पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ें हमने लर्न कर ली कि सबसे पहली चीज़ है नॉमिनेटर चेक चेक किया डिनोमिनेटर हमने चेक किया सेम है खत्म इशू अब हम क्या करेंगे इन्हें अरेंज करना सीखेंगे जिसने जितना अप किया है एरिया वो फ्रैक्शन उतनी ही लार्जर होगी और जिसने जितना कम एरिया कवर किया है वो उतनी स्मॉलेस्ट होगी स्मॉल टू बिग

फिगर सेम सबसे पहली बात देखो देखो डियर स्टूडेंट्स अगर सबसे पहली बात हम फिगर्स का जब कंपेयर करते हैं तो हमें दो चीज़े चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए फिगर के पार्टीशंस कितने किए गए पहली चीज़ और सब पार्टीशंस कैसे होने चाहिए इक्वल होने चाहिए तो यहाँ हम जो फिगर देख रहे हैं हमें फोर सर्कल्स मिले हुए हैं कितने सर्कल है फोर सर्कल है सारे कैसे लग रहे हैं देखो सेम है ना सेम भाई सभी सेम सर्कल ही है अगर फर्स्ट की बात करते हैं हाफ 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 शेडेड है हाफ कलर्ड है ऐसा ही कुछ है ना चलो आगे इन्होंने क्या किया है हाफ ये दोनों मिलकर के हाफ क्रिएट कर रहे हैं हाफ कैसा है ब्लैंक है सो so कैसा हो रहा है दोनों कैसे लग रहे हैं सेम है ना इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं इन फिगर वन एंड इन फिगर टू वी हैव हाफ कवर्ड एरिया एंड हाफ अनकवर्ड एरिया एज ए फ्रैक्शन सो यहां हम फ्रैक्शन क्या कह रहे हैं वन अपॉइंट टू ओके वन अपॉइंट टू क्रिएट हुआ ना और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं वन टू थ्री फोर पार्टीशन ओके सो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ जो सेकेंड वाले की अगर हम बात कर रहे हैं वहां हमारे पास हो गया टू अपॉइंट फोर चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं इन द एड आल्सो यू कैन सी द पार्टीशन इज इक्वल देखिए ये जो लाइन जा रही है हमारी ये क्या कर रही है सेम जा रही है ना अभी तक सारा कुछ इस लाइन के अपर साइड इज कवर्ड एंड अनदर साइड ऑफ द लाइन इज अनकवर्ड एरिया सो हम ये कह रहे हैं कि कवर एरिया इक्वल है और अनकवर एरिया भी कैसा है इक्वल है बट नंबर्स देखो जंबल कर रहे हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं ना वहां कितना नंबर आने वाला है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल डिनोमिनेटर नंबर इज सिक्स एंड आवर डिनोमिनेटर इज थ्री सो दिस इज आवर थर्ड फ्रैक्शन क्लियर हो गया चलो लाइन को मूव कराते हैं अहेड और यहाँ फिर से हम यही देख पा रहे हैं कि अपर पार्टीशन इज कवर्ड एंड अनदर पार्टीशन इज अनकवर्ड सो टोटल पार्टीशन नंबर और पोर्शन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो इन शॉर्ट वी कैन से देर आर द एट पोर्शन वी हैव एंड इन दिस वी हैव फोर पोर्शन कवर्ड सो वी आवर फ्रैक्शन विल बी फोर अपॉन एट चलो भाई ये आंसर आ गया अब अब क्या करना है अब हमें चेक करना है भाई सेम है कि नहीं है तो देखो माइंड क्या कह रहा है आंकड़ों को को इन को हम कर देते हैं पहले हम फिगर्स पे बात करेंगे ये जो डायग्राम है वो क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई मैं हाफ तो हूं अनकवर और हाफ हूं कवर पहला वाला दूसरा वाला चेक करो हाफ कवर हाफ अनकवर अनदर हाफ कवर हाफ अनकवर हाफ कवर एंड हाफ अनकवर तो सारे क्या कह रहे हैं सारे सेम लाइन कह रहे हैं बट नंबर्स

पर हम मैथमेटिक्स में इसको कैसे चेक करेंगे तो देखिए डियर स्टूडेंट्स अगर हम इनका और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस क्रिएट करते हैं जो हम अपर क्लासेस में भी सीखेंगे अगर हम इनका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस क्रिएट करते हैं तो देखो वन अपॉइंट टू है सो so, अब आगे कुछ ही नहीं होने वाला क्योंकि अब ऐसी कोई टेबल नहीं है जिसमें दोनों नंबर आते हो ठीक है चलो इसकी बात कर लेते हैं टू वन जा टू 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 जा फोर आंसर कितना निकल गया है वन अपॉइंट टू आ गया ना चलो इसकी बात करते हैं थ्री वन जा जा सिक्स आंसर कितना आया अरे वन अपॉइंट टू आ रहा है चलो लास्ट की बात करें फोर वन जा फोर फोर टू जा एट सो ऑल फ्रैक्शन कन्वर्टेड इन द वी कैन से रिड्यूस फॉर्म और रिड्यूस फॉर्म में कितना रहा? हो रहा है वन अपॉइंट टू हो रहा है सो ऑल फ्रैक्शन आर इक्वल इन रिड्यूस फॉर्म सो दिस फॉर्मेशन या दिस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कॉल इक्वल एंड फ्रैक्शंस अब इक्वलेंट फ्रैक्शंस कैसे क्रिएट होती है वो आपने यहाँ पे एक बार हमने समझ लिया डायग्राम के थ्रू कि जो सारे डायग्राम्स है चाहे उनके कितना भी पोर्शन करे हो अपने बट उनका जो हम कहें कि पोर्शन वे है जो उनका वे है वो कैसा आ रहा है वो इक्वल आ रहा है तो सारे फ्रैक्शन हमारे इक्वल हुए और इस मैथड को हम कहेंगे इक्वलेंट फ्रैक्शन मैथड तो चलिए एक बार इसके ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं सो हम वहाँ आंसर यस कर देंगे कि सारा कैसा है सेम है दीडिड पोर्शन आर इक्वल द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल द फ्रैक्शन शुड ऑल्सो बी सेम दिस दीज आर इक्वल एंट फ्रैक्शन सो सारों का जो इक्वलेंट फ्रैक्शंस का मतलब हमने अभी तक डिस्कस कर लिया था भाई सीधी सीधी बात है जो दस लाइने हमने पीछे पड़ी रीड आउट की ना सेम वही मैटर यहाँ आ गया कि भाई सारी फ्रैक्शंस आप क्रिएट करो उनका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ उनका रिड्यूस फॉर्म क्रिएट करो और फिर आप ये चेक करो कि सारे अगर नंबर सेम आ रहे हैं सारे फ्रैक्शन सेम आ रहे हैं तो दीज फ्रिक्शंस आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस ये फ्रैक्शंस कैसी होंगी ये हमारी इक्वल फ्रैक्शंस होंगी इक्वल फ्रैक्शंस होंगी क्लियर हो गया ना ये चीजें डाउट नहीं है ना चलो इसकी ओर मूव कर लेते हैं इफ द नमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन इज आइदर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम डिजिट वी गेट इक्वल एंड फ्रैक्शन सो डिवाइडेशन वाला हमने देखा था चलो मल्टीप्लाई वाला देख लो फॉर एग्जाम्पल वी हैव थ्री अपॉन फोर इफ हमने नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर को तो हमारा यहां पे क्या हो रहा है न्यू फ्रैक्शन क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है थ्री टू जा सिक्स एंड फोर टू जाट सो वी कैन कॉल थ्री अपॉन फोर एंड सिक्स अपॉन एट आर इक्वल फ्रैक्शन क्लियर अनादर देख लो चलो हमने टू से मल्टीप्लाई किया थ्री से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या थ्री थ्री, थ्री एंड फोर थ्री अपॉन फोर सिक्स अपॉन एट एंड नाइन अपॉन ट्वेल्व आर इक्वल एंड फ्रैक्शन बिकॉज इनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा जो रिड्यूस फॉर्म हम क्रिएट करेंगे वो कैसा रहेगा वो इक्वल हो जाएगा होता ही है सीधा सीधा पता है इसको टू से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर सही आने वाला है इसको हम थ्री से डिवाइड करेंगे आंसर सही आने वाला है सो दिस इज द मैटर अबाउट द इक्वलेंट फ्रैक्शंस सो आई होप आपको यहाँ कोई डाउट नहीं हो रहा होगा नहीं हो रहा ना बिकॉज दिस वॉज सो इजी इक्वलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड करना डे स्टूडेंट्स अगर हम इसकी सिमिलिर की बात करेंगे तो देखो जैसे हमारे पास में हमने मल्टीप्लीकेशन का किया अगर डिवाइडेशन से चेक करें वी हैव ट्वेंटी अपॉन फोर्टी सो डिवाइड बाई टू तो यहाँ क्रिएट हो रहा है टेन और यहां क्रिएट हो रहा है ट्वेंटी कंडीशन क्या है अगर हम इक्वलेंट फ्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं फाइंड कर रहे हैं तो सीधी सीधी कंडीशन है कि चाहे मल्टीप्लाई करो बोथ पार्टीशन ऑफ द फ्रैक्शन यानी हमारे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को चाहे डिवाइडेशन करो चाहे मल्टीप्लीकेशन करो बट ऑल नंबर शुड बी सेम टू से करो तो डाउन साइड भी टू यूज़ करेंगे थ्री से कर रहे हो तो डाउन साइड थ्री करोगे फोर से कर रहे हो तो डाउन साइड फोर करोगे मतलब हम जिस चीज़ से इसको इक्वल करना चाह रहे हैं वो नंबर हमारा कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ डिवाइडेशन फिर से देख लो आप हमने फोर का दिया है डाउन साइड भी फोर का यूज़ किया है तो फाइव अपॉइंट टेन क्या है ये इक्वल है हमारे ट्वेंटी अपॉइंट फोर्टी के अगर हम बात करें वन अपॉइंट टू जो कि हमें ट्वेंटी से डिवाइड करने के बाद में आ रहा है तो ये भी इसके क्या है इक्वल है सो दिस द मैटर अबाउट द इक्वल एंड फ्रैक्शन सो डी स्टूडेंट इन टूडे हमारी जो आज की क्लास थी उसमें हमने क्या क्या लर्न आउट किया एक बार देख लेते हैं वी लर्न अबाउट द असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन अरेंजमेंट देख लिया कैसे अरेंज करना है साथ ही साथ हमने ये देखा कि लार्जर और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस का पता कैसे करेंगे अगर डिनोमिनेटर सेम है वो चीज़ हमने देख ली और हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर आवर इक्वलेंट फ्रैक्शन उसके मोड को हमने समझ लिया कैसे हम रिड्यूस करते हैं सिंपल फॉर्म क्रिएट करते हैं और कैसे हम उनका कंपेयर करके इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं तो दिस वॉज पार्ट टू ऑफ आवर चैप्टर ट्वेल्व एंड आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा सो कीप वॉचिंग कीप लर्निंग सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू